सिंघू बॉर्डर पर युवक की हत्या को लेकर किसान आंदोलन सवालों के घेरे में है। किसानों के बीच जिस बर्बरता से दलित युवक की हत्या की गई है, उससे राजनीतिक दलों के साथ साथ सामाजिक संगठन भी बेहद नाराज हैं। किसान संगठन इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है, जबकि आंदोलनकारियों के नेता राकेश टिकैत के बोल कुछ अलग ही हैं। लेकिन सिंघू बॉर्डर मामले पर टिकैत की मुसीबत बढ़ती जा रही है, क्योंकि घटना आंदोलन स्थल पर आंदोलनकारियों से हुई है, जो कि राकेश टिकैत और दूसरे आंदोलनकारी नेताओं के देखरेख में है। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने पल्ला पहले ही झाड़ लिया है, लेकिन आंदोलनकारियों की परेशानी अब बढ़ सकती है, क्योंकि इस हत्या के बाद दलित संगठनों के साथ साथ दूसरे कई संगठन भी अब खुलकर मैदान में आ गए हैं और मोदी सरकार से कई अपील भी कर रहे हैं। दरअसल हत्या को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए अब यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने बहुत बड़ी मांग कर दी है। संगठन के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने मांग की है कि दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर सेना के हवाले कर दिया जाए। उन्होंने आंदोलनकारी किसानों के आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा समेत अन्य किसान संगठनों को भी कटघरे में खड़ा किया है। इसके साथ ही अवार्ड वापसी गैंग को भी घेरा है। उन्होंने पूछा है कि अभी तक अवार्ड वापसी गैंग चुप क्यों है। जय भगवान गोयल ने बयान जारी कर कहा कि खालिस्तान समर्थकों का कृषि कानून विरोधी आंदोलन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किसी से छिपा नहीं। दलित युवक की हत्या की घटना को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं को सख्त कार्रवाई कर खाली कराना चाहिए। उधर घटना को लेकर सोनीपत के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना को लेटर लिखकर मांग की है कि मानवता को तार तार करने वाले ऐसे जघन्य मामले पर प्रधान न्यायाधीश स्वतः संज्ञान ले। घटना को लेकर सिंघू बॉर्डर के आसपास के लोगों में भी भारी नाराजगी है। राकेश टिकैत और दूसरे आंदोलनकारी चाहे बचने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन इस बार आंदोलनकारी बुरी तरह घिर गए हैं। वहीं लखीमपुर खीरी मामले पर एक्टिव रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के भी चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि सरकार इन आंदोलनकारियों पर एक्शन कब लेती है और क्या केंद्र सरकार दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर सेना के हवाले करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल दलित संगठन और यूनाइटेड हिंदू फ्रंट जिस तरह से मोर्चा खोले हुए हैं, उससे सिंघू बॉर्डर हत्या मामले पर घिरे राकेश टिकैत और दूसरे आंदोलनकारी नेताओं की नींद जरूर उड़ गई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।